अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं ये माइक्रोवेव कर्नल पॉप पॉपकॉर्न है चीज़ी फ्लेवर में, मैं इसे बनाऊंगी विदाउट माइक्रोवेव। नॉर्मल और जो स्टोव होता है, नॉर्मल चूल्हा होता है, मैं उसके ऊपर पकाऊंगी। और ये मैं फर्स्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ, और चेक करेंगे कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसे निकलता है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कराची की सिचुएशन। कराची में लाइट्स बहुत ज़्यादा जाती हैं, इवन के जो हमारे साइड पे सिंगल टाइम में 3 घंटे की जा रही होती है, तो इस दौरान भूख भी लगती है और कोई आ भी सकता है, बच्चों को भी भूख लग जाती है। तो बस आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो, अब लाइट नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसको जो है वो ट्राई करती हूँ विदाउट ओवन बना के। सो आई ट्राइड दिस, और मैं इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो ये माइक्रोवेव पॉपकॉर्न है, माइक्रोवेव बेस, इसको जो है वो उसी में बनाया जाता है, पीछे इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब लिखी हुई हैं, तो लिहाजा, लेकिन हम जो है वो आज इसको नॉर्मल देगची में बनाएंगे। और इसको करना ये है कि आपने जो है वो कन्वर्ट कर लेना है एक ऐसी देगची में, एक ऐसे बर्तन में जिसकी लिड हो प्रॉपर। तो जनाब, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया था, और नॉर्मल जैसे चूल्हा होता है आपने इसके ऊपर रख देना है ढक्कन ढाँक के। बस करना ये है कि जो है जब ये पॉप पॉप करके आवाज़ आती रहे, आपने आवाज़ के ऊपर ध्यान देनी है। जब आवाज़ आनी बंद हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, उसको हटा लेना है, और आराम से जो है वो लिड को अलग कर लेना है। एंड टन टन, हमारे पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये इसका अपना फ्लेवर कलर है जो ऑरेंज ऑरेंज आपको दिख रहा है। बट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, फ़र्स्ट ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, तो ये थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक हो गई है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं हो पाया था और पॉप पॉप करना बंद कर चुकी थी, और मैंने देर से उसे रिमूव किया, चूल्हे पे से देर से हटाया, तो लिहाजा यहाँ से हल्की हल्की सी ब्लैक हो गई है। बट ओवरऑल इट वॉज़ वेरी गुड, एंड आई मस्ट से यू शुड ट्राई दिस। अगर आपकी लाइट ना हो या आपके पास ओवन नहीं है तो आपको इस तरह से ट्राई करना चाहिए, आसानी से बन जाएगी। और जो है वो आप मुझे ज़रूर याद रखिएगा दुआओं में, ठीक है? थैंक यू सो मच।